में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जन्मभूमि के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालकर संदेश का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने का प्रयास। विधि प्रवक्ता सरस शर्मा ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन श्री राम जन्मभूमि के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालकर देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो अयोध्या विवाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विहिप ने कहा ये पुनर्याचिका श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसे मानने की बात करने वाले शांति प्रिय मुसलमानों का अपमान है। असलियत में इस याचिका के पीछे राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय रहे हैं, जो नहीं चाहती कि हिंदू और मुस्लिमों में आपसी संबंध स्थापित हो। माना पुनर्विचार याचिका एक अदालती प्रक्रिया का अंग है, परंतु इसी मामले से जुड़े सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों की पुनर्विचार याचिका आगे न डालने की सलाह को नजरअंदाज करना भी उन सभी का अपमान है। उन्होंने कहा फैसला आने के पश्चात ही कुछ मुस्लिम पक्षकारों ने आगे अपील करने से इनकार कर दिया था, जिसका संपूर्ण देश में स्वागत हुआ। लोगों को प्रतीत हुआ कि अब इस विषय का अंत हो गया है, लेकिन कुछ तत्वों को ये हजम नहीं हुआ। वैसे तो इस याचिका का क्या हश्र होगा इस मामले से जुड़े कानूनविदों को मालूम। अयोध्या से ब्यूरो चीफ मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पुनर्याचिका शब्द जो है वो भ्रमित करने वाला है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पुनर्याचिका अदालत के अंदर डाला राम जन्मभूमि को लेकर, और कुछ डालने का प्रयास कर रहे हैं, या समाज को भ्रमित करने का उनका अपमान कर रहे हैं, उन मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। मैं समझता हूँ कि अगर इसी प्रकार से पुनर्याचिका अगर डालते रहेंगे लोग, तो आने वाले दिनों में भी भोले भक्तों को और श्री कृष्ण भक्तों को भी अपने उन संकल्पों का स्मरण करना होगा जो उन्होंने ले रखा है। तो इसलिए इस देश में शांति सद्भाव बना रहे और इसका प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग जो है, मुट्ठी भर लोग जो है, इस देश में शांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, और हम सब एकजुटता के साथ ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में जो है भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अदालत ने निर्णय दे दिया है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से स्वागत किया गया फैसले का, उसी प्रकार से उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा इस प्रकार से पुनर्याचिका डालकर लोगों में उत्तेजना पैदा की जा रही है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने के लिए उन संकल्पों को स्मरण कराया जा रहा है जो वह पीछे जा चुका है।